हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नया आइडिया लेकर आई हूँ डोरमेट बनाने का। इसके लिए भी हमने बचे हुए कपड़ों के टुकड़ों का यूज़ किया है। इन कपड़ों के टुकड़ों में से हमने 2 इंच चौड़ी पट्टियाँ स्ट्रिप्स काट कर रेडी करनी है। आप देख सकते हैं हमने सभी स्ट्रिप्स की चौड़ाई 2 इंच ही रखी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये डोरमेट बनाना बहुत ईजी है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी भी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि सभी स्ट्रिप्स की विड्थ हमने 2 इंच ही रखी है। अब इनको हम साइड करके बेस के लिए हमने कपड़ा कट करना है। इस डोरमेट के लिए भी हमने बेस के लिए पैंट का कपड़ा ही यूज़ किया है। पैंट का कपड़ा मोटा होता है, इसलिए हम इसे डोरमेट के लिए यूज़ कर रहे हैं। डोरमेट के बेस के लिए हमने 2 पैंट के कपड़े यूज़ किए हैं। इनको कट कर रखा हुआ है। अब मैं इनको नाप कर दिखाती हूँ आपको कि इनकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या है। इन दोनों कपड़ों को हमने सेम विड्थ और लेंथ में कट किया है। इस कपड़े की लंबाई है 27 इंच और इसकी चौड़ाई 19.5 इंच रखी है हमने। अब हमने इस कपड़े के अकॉर्डिंग स्ट्रिप्स को निकाल कर अलग कर लिया है। अब हम डोरमेट बनाना शुरू करेंगे। हम डोरमेट बनाने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रिप लेंगे और उसको पैंट वाले कपड़े पर उल्टा कर रखेंगे। इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई चलाकर इसे अटैच कर लेंगे कपड़े के साथ में। एक्स्ट्रा स्ट्रिप को हम अब कट कर देंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे सिलाई करके। अब हम इस स्ट्रिप को ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और इसके कॉर्नर पर प्रेस स्टिच लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इस पर प्रेस स्टिच लगा ली है, मतलब बैठने वाली सिलाई होती है जिससे कपड़ा अच्छे से बैठ जाता है दूसरे कपड़े के साथ में। अब हम एक स्ट्रिप लेंगे, उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसके कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए हमने इसके ऊपर 1/2 इंच चौड़ी सिलाई लगानी है और इसे कंप्लीट कर लेंगे हम सिलाई लगाकर। हमने दूसरी स्ट्रिप भी लगा ली है। अब इसे इस तरीके से इस तरफ फोल्ड करेंगे और इसे हल्के हाथ से दबाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रिप हमने इसी के ऊपर ही लगानी है जैसे हमने फर्स्ट स्ट्रिप के ऊपर दूसरी स्ट्रिप लगाई थी। अब एक स्ट्रिप लेंगे, दोनों स्ट्रिप्स का राइट साइड एक साइड होगा, मतलब सेम साइड होगा और कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए हमने स्ट्रिप को एंड तक ज्वाइन कर लेना है। और इसी तरह ही हमने बाकी की स्ट्रिप्स को इस कपड़े के ऊपर अटैच करते जाना है।
हमने सभी स्ट्रिप्स को वन बाय वन अटैच करते जाना है इसी डायरेक्शन में। ये देखिए हमने सभी स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया है। नीचे से मैट इस तरीके का दिख रहा है, इसके जो स्ट्रिप्स के कॉर्नर्स निकल रहे हैं हम उनको कट कर लेंगे पहले। ये देखिए हमने सारे कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। अभी सिलाई वाले पोर्शन को छुपाने के लिए जो हमने एक और पीस कट करके रखा हुआ है पैंट का, वो इसके साथ कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए अटैच कर लेंगे। हमने दूसरे पीस को भी इस डोरमेट के साथ में अटैच कर लिया है। अब इसके कॉर्नर्स पे हमने स्ट्रिप्स कट करके ज्वाइन करनी है। इन स्ट्रिप्स को भी हमने 2 इंच ही रखा है। अब हमने डोरमेट के चारों ओर इस स्ट्रिप को अटैच करना है। स्ट्रिप अटैच करना मैंने प्रीवियस वीडियो में ब्रीफली दिखाया है आपको। हमने डोरमेट के चारों ओर स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर लिया है इसके कॉर्नर्स पे। हमारा डोरमेट बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं इस तरह का लुक आया है इसका, और इसे आप दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, और ये इसे इजीली आप मशीन वॉश भी कर सकते हैं। आप भी इन आइडियाज़ को यूज़ कर अपने घर के लिए और भी यूज़फुल चीज़ें बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आपको डोरमेट बनाने का ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।